दोस्तों, इस दुनिया में हर एक इंसान अलग अलग नेचर का होता है। कुछ लोगों को भीड़ भाड़ और शोर शराबे वाली जगहें पसंद होती हैं, तो कुछ लोग एकांत में अपना समय बिताना पसंद करते हैं। लेकिन जब से इस वायरस ने हमारे सिर पर मंडराना शुरू किया है, हम भीड़ भाड़ वाली जगहों को भूल चुके हैं, क्योंकि हर कोई बाहर की दुनिया से अब दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझता है। लेकिन हम आपको बता दें, आप भले ही कुछ भी समझें, पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सालों से आइसोलेशन में रह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन आइसोलेटेड कम्युनिटीज के बारे में जिन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। सुपाई विलेज, एरिजोना। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पॉपुलर वेकेशन स्पॉट की बात करें, तो वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट कैनेडियन है, जहां का नजारा इतना शानदार है कि लोग खुद ब खुद यहां पर खींचे चले आते हैं, क्योंकि यहां एक अलग ही प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलती है जो शायद कहीं और देखने को भी ना मिले। लेकिन बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता कि ग्रैंड कैनियन के टूरिस्ट हब से 35 मील की दूरी पर एक ऐसा गांव है जो आसपास के इलाकों में पूरी तरह से सुनसान है। यहां तक कि इसमें मात्र 208 लोग ही रहते हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप ग्रैंड कैनियन से सुपाई विलेज तक अपना सफर तय करेंगे, तो आपको पैदल ही वहां तक चलकर जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो कि आपको ट्रेवल करा सके। ऊपर से इस गांव में रहने वाले लोगों को हवा सुबाई ट्राइब्स कहकर बुलाया जाता है। ये लोग पिछले 800 सालों से यहां रह रहे हैं और इस जगह के लोगों को पीपल्स ऑफ द ब्लू ग्रीन वाटर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर ये लोग समर सीजन में फार्मिंग करते हैं और बाकी टाइम हंटिंग से अपना गुजारा चलाते हैं। यहां तक कि यहां का पानी ब्लू वाटरफॉल से डायरेक्ट इनके घरों तक आता है, जिसको ये लोग स्टोर करके अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात ये कि जिस जगह पर हवा सुपाई के लोग रहते हैं, वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है और इनके खाने का पार्सल घोड़ों के जरिए इन तक हर रोज पहुंचाए जाते हैं। दोस्तों, ये यूनाइटेड स्टेट के ऐसे 208 लोग हैं जिनका खाना हर रोज इन तक लाया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई होटल वगैरह तो है नहीं, इसीलिए अगर कोई इस जगह पर घूमने जाता है तो यहाँ के लोग खुली बाहों से इनका स्वागत करते हैं। हालांकि आपको इनके तौर तरीके सीखने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन मजा बहुत आएगा। ट्रिस्टन डागुना। ना रेस्टोरेंट, ना होटल, ना क्रेडिट कार्ड और ना ही सेफ बीचेस। जी हाँ दोस्तों, ये वो जिंदगी है जो क्रिस्टन डागुना में रहने वाले लोग जीते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे रिमोट टेस्ट पॉपुलैरिटी आइसलैंड है, जो कि अटलांटिक के मिडल में या फिर ये कह लीजिए कि कहीं भी नहीं है। ये साउथ अफ्रीका से 2816 किलोमीटर दूर है। ऐसे में क्रिस्टियन डागुना के सबसे पास वाला एरिया है सेंट हेलेना। सेंट हेलेना जो यहां से 1243 मील की दूरी पर है। ये आइलैंड सबसे पहले 1506 में डिस्कवर किया गया था। हालांकि इस समय तो यहां पर कोई भी नहीं रहता था, लेकिन 1810 में सबसे पहले यहां पर एक व्यक्ति रहने आया और अब 21वीं सदी में इस जगह पर करीबन 267 लोग रहते हैं। यहां पर इन लोगों ने इस जगह पर अपनी छोटी सी दुनिया बसा रखी है। यहां पर हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर भी मौजूद है। लेकिन इन सभी चीजों को पाने के लिए आपको इस जगह पर एक महीना पहले से ही ऑर्डर देकर रखना पड़ता है, यानी कि लोग अपना खास सामान एडवांस में खरीदते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें भूखा ना रहना पड़े। क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि लैंड एरिया में इतनी दूर रहने के बाद सभी चीजों की फैसिलिटी पाना इतना आसान नहीं है, पर लोग फिर भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि जो फैसिलिटीज यहां नहीं है वो है इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए लोग डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करके अपने घरों में रोशनी करते हैं। पर कुछ भी कहिए, यहां पर जितने भी लोग रहते हैं खुश रहते हैं, और अगर आप भी इंट्रोवर्ट टाइप के हैं तो बेशक ये जगह आपके लिए बेहतर होगी, लेकिन बशर्ते आपको यहां एक्टिव वोल्केनो से बचकर रहना होगा। ये आइलैंड वोल्केनो है। ऐसे में अब आप अगर एकांत में प्रकृति के साथ
बिना ज्वालामुखी से डरे रहना पसंद करेंगे तो ये जगह वाकई में आपके लिए परफेक्ट है। लाइकोनाडा पीरो, अब आप हाईएस्ट ह्यूमन हैबिटेशन पर अपनी नजर डालिए, जहां पर लाइकोनाडा एक ऐसी जगह है। ये 4900 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जहां लगभग पूरे साल में आपको 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही टेम्परेचर मिलेगा। और इस रिमोट एरिया में जाने की वजह से कई सारे लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस की समस्या हो जाती है। जी हां, पेरू में मौजूद इस टाउन में आने वाले लोगों को सांस की समस्या, सिर दर्द और उल्टी जैसी चीजें होना आम बात है। इसी वजह से कई सारे लोगों की मौत भी एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण यहां पर होती रहती है। लेकिन इतने मुश्किल हालातों के बावजूद करीबन 50,000 लोग इस जगह पर रहते हैं, वो भी बेसिक सुख सुविधाओं के साथ, क्योंकि यहां पर कोई भी मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद नहीं है। हालांकि एरिया काफी रिमोट है, इसकी वजह से यहां इतने सारे लोगों का जितना भी कूड़ा कचरा उठता है उसे कोई भी उठाने नहीं आता, इसीलिए टाउन धीरे धीरे काफी गंदा होता जा रहा है। इतनी गंदी जगह पर इतनी ज्यादा आबादी कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, इसका साफ जवाब है और वो है सोना। इस जगह की जमीन पर सोने की मात्रा पाई जाती है, जिसके लालच में कई सारे माइनर्स बिना किसी पैसे के यहाँ पर खुदाई करते हैं और जो चीज वो पाते हैं वो उनकी हो जाती है। इसी वजह से लोग अधिक से अधिक यहाँ पर आकर खुदाई करने के काम में जुट जाते हैं और इसी वजह से यहाँ की आबादी भी बढ़ती जा रही है। उदग्यावीक, अलास्का, ये नॉर्थ अमेरिका की नॉर्दर्न सिटी है। यहाँ का मौसम काफी ज्यादा गंभीर रहता है। यहाँ की ठंड इतनी ज्यादा है कि अगर आप भारत में रहते हैं तो आपसे बर्दाश्त भी नहीं होगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ का मौसम इतना ठंडा क्यों है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में उदग्यावीक का मौसम अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस तक ही हो पाता है और ठंड के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर -16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि 2 डिग्री सेल्सियस की तो हमारे भारत में आमतौर पर ठंड भी नहीं होती है, जितने में यहाँ गर्मी होती है। और यहाँ के टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ के लोगों को सोलर लाइट का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ नॉर्मली नवंबर के महीने में सूरज डूबता है और लगभग 65 दिन तक निकलता ही नहीं है, और इन 65 दिनों तक यहाँ रहने वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ रात का ही समय देखने को मिलता है। अब हमें 2 रात के बाद सुबह की रोशनी ना मिले तो हम कैसे पगला से जाएंगे? लेकिन ये लोग पूरे 65 दिनों तक बिना सूरज की रोशनी में रहते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद इस जगह पर 4429 लोग रहते हैं। यहाँ इनकी लाइफ एक अलग ही तरह से चलती है। ये पूरा एरिया आइसोलेटेड तो है ही, लेकिन सारे लोग एक साथ एक परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा इस जगह पर कई सारी मॉडर्न फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। फिर चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या फिर कुछ और कम्युनिकेशन करना हो, सब कुछ यहाँ पर इजी है, क्योंकि फोन, मेल और रेडियो जैसी सुविधाएं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ आपको होटल, रेस्टोरेंट और ड्राई क्लीनिंग की भी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ तक कि यहाँ पहुंचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें काफी खर्चा भी होगा। लेकिन अगर आपको ठंड के साथ साथ एकांत में एक अलग दुनिया में रहना है तो इतना खर्चा तो बनता है। पाल्मस्टन, आइसलैंड, नॉर्थ ईस्ट न्यूजीलैंड से 3200 किलोमीटर की दूरी पर पाल्मस्टन आइसलैंड मौजूद है। यहाँ पर मात्र 62 लोग रहते हैं, जो सभी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। यानी कि इस आइलैंड में रहने वाले लोग दुनिया के सबसे ज्यादा आइसोलेटेड कम्युनिटी के लोग हैं। इस आइलैंड की खोज 1774 में हुई थी। इसे कैप्टन जेम्स द्वारा खोजा गया था और विलियम मास्टर्स ही वो इंसान है जिसने पहली बार 1863 में इस आइलैंड में अपना घर बनाया, और उसके बाद उनकी वाइफ और वाइफ की 2 बहनें भी उनके साथ रहने आई, जहां बाद में इन्होंने अपनी वाइफ की बहनों से शादी कर ली और उन्हें अपनी दूसरी और तीसरी पत्नी बना लिया। यहां इनकी तीनों पत्नियों ने कुल मिलाकर 23 बच्चों को जन्म दिया और इसी तरह इनका वंश आगे बढ़ता चला गया। अब इस परिवार में कुल 62 लोग हो गए हैं, जो सभी एक साथ रहते हैं। इन सभी की लाइफ इस आइसलैंड में आइसोलेशन और सिंप्लिसिटी से भरी पड़ी है।
ऐसे में उनका पैसा तभी खर्च होता है जब ये आइसलैंड के बाहर कोई चीज खरीदते हैं। इस जगह पर कोई सही वाटर सिस्टम नहीं है। ये लोग रेन वाटर को इकट्ठा करके अपनी जरूरत के हिसाब से इसे इस्तेमाल करते हैं और इसी पानी को ये लोग पीते भी हैं। अगर बिजली की बात की जाए तो केवल दिन में 6 घंटे ही इनके यहाँ बिजली आती है और मात्र 2 ही पब्लिक टॉयलेट मौजूद हैं। इसके साथ एक नया टेलीफोन कनेक्शन यहाँ पर लगाया गया था ताकि ये लोग बाहर की दुनिया से कनेक्ट रह सकें। लेकिन अब जब इनका पूरा परिवार एक ही जगह पर रहता है तो भला इन्हें बाहर की दुनिया से कनेक्टेड होने की जरूरत ही क्या है। अगर आप न्यूजीलैंड के पास मौजूद हैं, इस आइलैंड पर गए तो यहां तक पहुंचने का रास्ता थोड़ी मुश्किल और काफी लंबा भी है, पर फिर भी कुछ लोग इतने लंबे सफर को तय करके ये देखने जाते हैं कि किस तरह एक परिवार हंसी खुशी से इस आइलैंड में अकेले रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है ये लोग आइसोलेशन में रह के कैसा महसूस कर रहे होंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।